नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। 2 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल गुवाहाटी में हुई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की बस पर पत्थरबाजी का आज तक को वीडियो मिल चुका है। ये पत्थरबाजी कल खेले गए दूसरे T20 मैच के बाद हुई, और जब मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वापस होटल इस बस में सवार होकर जा रहे थे। वहीं रास्ते में कुछ लोगों ने बस पर पत्थर फेंके और मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज एरन फिंच ने बस की टूटी खिड़की की तस्वीर भी शेयर की वेबसाइट पर और कहा कि होटल जाने के रास्ते पर बस की खिड़की पर पत्थर फेंका गया, ये काफी डरावना था। ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीतकर सीरीज बराबर की थी, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से बस पर पत्थर फेंका गया जब भारत ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई। उसके बाद एरन फिंच ने ये तस्वीर शेयर की ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और इसके जरिए बताया कि काफी ज्यादा डरावना था वो पल जब इस तरह से बस पर पत्थर फेंका गया। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने होटल की ओर रवाना हो रही थी जब इस तरह से पत्थरबाजी की गई। अब इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो कल ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज बराबर की थी जीत के साथ। ऑस्ट्रेलिया के हाथ तो शर्मनाक हार, लेकिन उसके बाद फैंस ने भी शर्मसार किया। क्या वाकई इस तरह की चीजें करना जरूरी था? अगर इस तरह से टीम हार जाती है तो आप अपना गुस्सा टीम की बस पर यूं निकाल रहे हैं। अब पूरे मामले की जांच के आदेश और 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त बस पर पत्थर फेंका गया, उस वक्त का ये वीडियो। মিসক্রিয়েন্টে এনে ধরনের ঘটনা ঘটছে, যাই কি নহক আমি সরকারখনের তরফের ঘটনাটো গম পোৱাৰ লগে নিশার ভিতরতে মই জ্যেষ্ঠ আরক্ষী বিষয়াসকলক প্রেরণ করেছো, দায়িত্ব দিছো আর নির্দেশ দিছো তদন্ত চলাবর নিশাটোর ভিতরতে 2 গৰাকী উঠাই অনা হয়েছে, পিক আপ করা হয়েছে ইন্টারগেশনের কারণে। আমি তেনে ধরনের দুষ্কৃতিকারীক বিচারি উলিয়াম আর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিম,